हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हुआ पहले की तरह अच्छे ही होगे। गाइस PS3 एमुलेटर को लेकर के एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है गाइस। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, ये बहुत ही खतरनाक अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार। काफी लोग ऐसे वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, तो ऐसा मत करो यार, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो। इतने अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, आगे भी इससे भी ज्यादा बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा, तो यार प्लीज लाइक करो, आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो के कमेंट में काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि एंटेशन 3 एमुलेटर का क्या हुआ, जो वेक्टर्स VM के डेवलपर काम कर रहे थे वो एमुलेटर का क्या हुआ। तो भाई वेक्टर्स VM जो डेवलपर है वो चला गया है, ठीक है, तो अब उसने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, पूरा वेक्टर्स VM पूरा प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। अब वेक्टर्स VM का जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा अब बॉक्स विद्रा के पास है, ठीक है, तो अब बॉक्स विद्रा उसके ऊपर काम कर रहा है एंड उसके डेवलपर सारे काम कर रहे हैं। अब ये पूरा प्रोजेक्ट गाइस आने वाला है बॉक्स विद्रा में एंड एंटेशन 3 पाई नहीं आएगा, ठीक है। अब वैसे भी वो एमुलेटर कुछ काम का नहीं था, ठीक है, वाइन के ऊपर बेस्ड था। एंड अब बात करते हैं गुड न्यूज़ की। जी हाँ गाइस, PS3 की गुड न्यूज़ गाइस, एक न्यू एमुलेटर आने वाला है और उसको डेवलप कर रहे हैं बॉक्स विद्रा के डेवलपर, ठीक है। ओके, PS3 का एमुलेटर बनाना भाई किसी के बस में नहीं है, ठीक है, तो ये लोग क्या करने वाले हैं, सोनी कंपनी के साथ कोऑपरेट करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, ये सोनी कंपनी के साथ मिलकर काम करने वाले हैं इस एमुलेटर के ऊपर। तो PS3 एमुलेटर ही नहीं गाइस, PS1, PS2, RPCS3, PS+ एंड PS5 के गेम भी आप प्ले कर पाएंगे, तो खुद यहाँ पर देख लो गाइस। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर बॉक्स विद्रा के डेवलपर, तो यहाँ पर खुद देख लो। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एमुलेटर सभी PS सिस्टम का अनुकरण करता है, PS1, PS2, RPCS3, PS+, PS5, लेकिन विचार नया होगा और पूरी तरह से अलग। हम सोनी के साथ सहयोग करने की योजना बना रहे हैं PS+ को बॉक्स विद्रा आर्किटेक्चर के साथ एकीकृत करने के लिए। इसके बाद हम एक स्टोर, एक PS ग्राफिकल इंटरफेस और गेम चलाने के लिए एक विशेष प्रोग्राम के साथ एक पूरी तरह से नया सिस्टम बनाएंगे। साथ ही PS1 और 2 के लिए हम उपयोगकर्ताओं के लिए ट्रायल संस्करण के रूप में खेलने के लिए विशिष्ट गेम का चयन करेंगे। तो मामला स्पष्ट है, हम इस मामले में सोनी के साथ सहयोग करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइज, और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।